समय बताएगा कि मैं क्या करूंगा। विधानसभा में इस बार हमें अनकंटेस्टेड निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है और सत्ता विपक्ष मेरे नज़र में दोनों बराबर है। मैं निष्पक्ष तरीके से विधानसभा में सबको अवसर दूंगा। विरोधी पक्ष से भी मैं चाहूंगा कि वो विधानसभा में सकारात्मक सहयोग करें। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सीरीज। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी मुजफ्फरपुर पहुंचे थे, जहां मीनापुर में हो रहे कार्यक्रम में वो शामिल हुए। दरअसल मीनापुर में हिंद केसरी तो बिहार सरकार के पूर्व मंत्री थे, उनकी पुण्यतिथि पर कार्यक्रम आयोजित था, जिस कार्यक्रम में कई दिग्गज नेता शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने बहुत सारी बातें कहीं, जेपी को भी लेकर बहुत सारी, जयप्रकाश नारायण के आंदोलन को लेकर भी बहुत सारी बातें कहीं, वहीं हिंद केसरी को लेकर भी कई सारी बातें कहीं। इस दौरान विधानसभा में कैसे सत्र का संचालित हो और किस तरीके से सत्र को संचालित किया जाएगा, इसको लेकर उन्होंने कई सारी बातों को कहा है। क्या कुछ कह रहे हैं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष, पहले आप वो सुनिए। स्वर्गीय हिंद केसरी यादव, ये बिहार सरकार में मंत्री थे, हमसे इन्हें काफी नजदीकी थी, बड़े कर्मठ व्यक्ति थे, संघर्षशील व्यक्ति थे और बुराइयों के खिलाफ हमेशा संघर्ष करने के लिए तैयार रहते थे। विधानसभा में भी क्षेत्र और भिन्न भिन्न जो समस्या है उसके निदान के लिए सरकार से सकारात्मक रूप से अपने मांग को रख करके मनवाने का काम करते थे। ये एक काफ़ी जानकार राजनीतिज्ञ थे। आज हमारे बीच ये नहीं है और इन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं अपने विधायक काल में, विधानसभा के सदस्य के रूप में, जो भुलाया नहीं जा सकता है। हिंद केसरी बाबू के आज पुण्यतिथि है, इस अवसर पर मैं आया हूं और मैं कहना चाहता हूं कि संघर्ष के जो इनके रास्ते हैं, उस रास्ते पर चलने का अगर हम कोशिश करते हैं तो समाज में चेतना आएगी, नवनिर्माण आएगा, समाज जो है तरक्की के तरफ जाएगा। इसलिए इनके पुण्य तिथि मनाने का सार्थकता औचित्य तभी सिद्ध होगी जब इनके रचनात्मक कार्यों को, इनके संघर्ष के रास्ते को हम अपने जीवन में उतारने का काम करें। मैं इनको पुनः अपने तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। इन्हें मैं पुनः हृदय से यह भगवान से मांग करता, मां भगवान से आराधना करता हूं कि इनको शक्ति मिले, परिवार को जो रिक्ति हुई बर्दाश्त करने की ताकत मिले और पूरे समाज और मुजफ्फरपुर का इलाका इनके स्मृति को भूले नहीं। इस देश के सबसे त्यागी और सबसे ईमानदार व्यक्ति लोकनायक जयप्रकाश नारायण थे, जिन्होंने 1974 से लेकर 77 तक बुराइयों के खिलाफ देश को गोलबंद करने का काम किया। अंग्रेज भगाने के लिए पूज्य महात्मा गांधी जी ने आह्वान किया था, अंग्रेज भारत छोड़ो, और पूरे देश के लोगों ने उनके आह्वान को कबूल करके उनके पीछे संघर्ष करने के लिए तैयार हो गए। उसी तरह से जब बुराई फैल गई थी, महंगाई फैल गई थी, जुल्म अत्याचार फैल गया था, तो हमारे देश को आंदोलित करने के लिए, नौजवानों को आकर्षित करने के लिए, सभी समाज के लोगों को जगने के लिए जयप्रकाश बाबू ने आंदोलन खड़ा किया, छात्र आंदोलन तैयारी किया और बड़े अच्छे तरीके से संघर्ष हुए। और उन्होंने संघर्ष में जो बहुत ताकतवर जो देश के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, कांग्रेस के हुकूमत हुआ करता था, उनको परास्त करने का काम किया, लोकतंत्र लाने का काम किया। उनकी आज जो पुण्यतिथि है तो मैं उन्हें सत सत बार नमन करता हूं और आह्वान करता हूं आप तमाम लोगों से कि बुराइयों के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ
सांप्रदायिक जो सद्भावना है उसको कायम रखने के लिए और सब लोगों को एकजुट बांध कर रख कर चलने के लिए हमें उन्हें स्मरण करते रहना चाहिए। और लोकनायक जयप्रकाश नारायण के सच्चे अनुयायी लालू प्रसाद यादव थे, जिन्होंने जब लाठी लगी थी इन्हें जयप्रकाश बाबू को गांधी मैदान में, तो उस जमाने में लोकनायक की उपाधि किसी ने देने का काम किया, उस व्यक्ति का नाम लालू प्रसाद यादव है जिन्होंने इन्हें लोकनायक के उपाधि दिया। और लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी मरे नहीं हैं, आज भी जिंदा हैं, उनके विचार अमर है। वो जब तक धरती आकाश रहेंगे हम तमाम लोग उस परिवर्तन को, उस संघर्ष को नहीं भुलाएंगे और लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के बताए हुए रास्ते पर हम लोग चलने का काम करेंगे। समय बताएगा कि मैं क्या करूँगा। मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ और मैं एक सही रास्ते पर चलने वाला आदमी हूँ। पूज्य महात्मा गांधी जी के मैं अनुयायी हूँ, सत्य अहिंसा के पुजारी हूँ। इसलिए विधानसभा में इस बार हमें अनकंटेस्टेड निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। मैं अपने दायित्वों का निर्वहन करूंगा और नियम प्रक्रिया संविधान को देखते हुए कार्य करूंगा और सत्ता विपक्ष मेरे नज़र में दोनों बराबर है। मैं निष्पक्ष तरीके से विधानसभा में सबको अवसर दूंगा और विधानसभा के क्रिया प्रक्रिया संचालन नियमावली है उसका पालन करते हुए विरोधी पक्ष से भी मैं चाहूँगा कि वो विधानसभा में सकारात्मक सहयोग करें। सकारात्मक सहयोग करेंगे तो विधानसभा सही तरीके से संचालित होगा और इस राज्य के कार्य होंगे, विधायकों के मान सम्मान बढ़ेंगे और बिहार की जनता प्रसन्न होगी कि आसन जो है न्यूट्रल होकर के अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा है। तो आपने सुना कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने क्या कुछ कहा, किस तरीके से सत्र को संचालित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सबको मौका मिलेगा, विधानसभा में सबको मौका मिलेगा, निष्पक्ष सत्र को चलाया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने विपक्ष यानी बीजेपी विपक्ष को साफ साफ कहा कि विरोधी दल जो है उनको सकारात्मक सहयोग करना चाहिए ताकि विधानसभा का संचालित ठीक तरीके से हो सके। तो बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।